मंच पर विराजमान राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और इसी धरती के सेवक भाई गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, राजस्थान सरकार के मंत्री भाई भजनलाल, सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी, अन्य हमारे सांसदगण, सभी जनप्रतिनिधि, देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं सूर्य नगरी मंडोर वीर दुर्गादास राठौर जी की इस वीर भूमि को शत शत नमन करता हूं। आज मारवाड़ की पवित्र धरती जोधपुर में कई बड़े विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। बीते 9 वर्षों में हमने राजस्थान के विकास के लिए जो निरंतर प्रयास किए हैं, उनके परिणाम आज हम सब अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। मैं आप सभी को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, राजस्थान वो राज्य है जहां प्राचीन भारत के गौरव के दर्शन होते हैं, जिसमें भारत के शौर्य, समृद्धि और संस्कृति झलकती है। कुछ समय पहले जोधपुर में G20 की जो बैठक हुई, उसकी तारीफ दुनिया भर के मेहमानों ने की। चाहे हमारे देश के लोग हो या विदेशी पर्यटक हो, हर किसी की इच्छा होती है कि वो एक बार सन सिटी जोधपुर देखने के लिए जरूर आए। हर कोई रेतीले धोरों को, मेहरानगढ़ और जसवंत थड़ा को जरूर देखना चाहता है। यहां के हैंडीक्राफ्ट को लेकर बहुत कुछ उसके लिए उत्कंठा रहती है, इसलिए ये जरूरी है कि भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान भारत के भविष्य का भी प्रतिनिधित्व करे। ये तभी होगा जब मेवाड़ से लेकर मारवाड़ तक पूरा राजस्थान विकास की बुलंदियों को छुए, यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो, बीकानेर से बाड़मेर होते हुए जामनगर तक जाने वाला एक्सप्रेसवे कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, राजस्थान में आधुनिक और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है। भारत सरकार आज राजस्थान में हर दिशा में, चहुं दिशा में रेल और रोड समेत हर क्षेत्र में तेज गति से काम कर रही है। इसी साल रेलवे के विकास के लिए करीब करीब 9,500 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान को दिया गया है। ये बजट पिछली सरकार के सालाना औसत बजट से करीब 14 गुना ज्यादा है।
और ये मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूं, फैक्चुअल जानकारी दे रहा हूं, वरना मीडिया वाले लिखेंगे मोदी का बड़ा हमला। आजादी के बाद के इतने दशकों में 2014 तक राजस्थान में लगभग 600 किलोमीटर रेल लाइनों का ही बिजलीकरण हुआ, 600 किलोमीटर। बीते 9 वर्षों में 3,700 किलोमीटर से ज्यादा रेल ट्रैक्स का बिजलीकरण हो चुका है। इन पर डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेनें चलेगी, इससे राजस्थान में प्रदूषण भी कम होगा और हवा भी सुरक्षित रहेगी। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत हम राजस्थान के 80 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिकता के साथ विकसित कर रहे हैं। हमारे यहां शानदार एयरपोर्ट बनाने की फैशन तो है, क्योंकि बड़े बड़े लोग वहां जाते हैं, लेकिन मोदी की दुनिया कुछ अलग है। जहां गरीब और मध्यम वर्ग का व्यक्ति जाता है, मैं उस रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट से भी बढ़िया बना दूंगा। और इसमें हमारा जोधपुर रेलवे स्टेशन भी शामिल है। भाइयों बहनों, आज रोड और रेल की जिन परियोजनाओं को शुरू किया गया है, उनसे विकास के इस अभियान को और गति मिलेगी। रेल लाइनों के दोहरीकरण से यात्रा में लगने वाला जो समय है वो कम होगा और सुविधा भी बढ़ेगी। मुझे जैसलमेर दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन और मारवाड़ खामली घाट ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का भी सौभाग्य मिला है, और कुछ दिन पहले मुझे वंदे भारत के लिए भी मौका मिला था। आज यहां रोड के 3 प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास हुआ है। आज जोधपुर और उदयपुर एयरपोर्ट के नए पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ है। इन सभी विकास कार्यों से इस इलाके की लोकल अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ये राजस्थान में टूरिज्म सेक्टर को भी नई ऊर्जा देने में मदद करेगा। साथियों, हमारे राजस्थान की मेडिकल और इंजीनियरिंग एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रही है। कोटा ने देश को कितने ही डॉक्टर्स और इंजीनियर्स दिए हैं। हमारा प्रयास है कि राजस्थान एजुकेशन के साथ साथ मेडिकल और इंजीनियरिंग की दृष्टि से भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला एक अच्छे से अच्छा हब बने। इसके लिए एम्स जोधपुर में ट्रॉमा, इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर की एडवांस सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत जिला अस्पतालों में भी क्रिटिकल केयर बॉक्स बनाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि एम्स जोधपुर और आईआईटी जोधपुर, ये संस्थान आज राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं। एम्स और आईआईटी जोधपुर ने मिलकर मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई संभावनाओं पर काम शुरू किया है। रोबोटिक सर्जरी जैसे हाईटेक मेडिकल टेक्नोलॉजी भारत को रिसर्च के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला काम है। इससे मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। साथियों, राजस्थान प्रकृति और पर्यावरण से प्रेम करने वाले लोगों की धरती है। गुरु जम्बेश्वर और वैष्णवी समाज ने यहां सदियों से उस जीवन शैली को जिया है।
जिसका आज पूरी दुनिया अनुसरण करना चाहती है। हमारी इस विरासत को आधार बनाकर आज भारत पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है। मुझे विश्वास है हमारे ये प्रयास विकसित भारत का आधार बनेंगे, और भारत विकसित तभी होगा जब राजस्थान विकसित होगा। हमें मिलकर राजस्थान को विकसित बनाना है और समृद्ध बनाना है। इसी के संकल्प साथ इस कार्यक्रम की मंच की कुछ मर्यादाएं हैं, तो मैं यहां ज्यादा समय आपको लेता नहीं हूं, इसके बाद खुले मैदान में जा रहा हूं। वहां का मिजाज भी अलग होता है, माहौल भी अलग होता है, मकसद भी अलग होता है। तो कुछ मिनट के बाद वहां खुले मैदान में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।